दरभंगा जिले के केवटी थाना कांड संख्या 53/24 दिनांक 11 फरवरी 2024 के वांछित अभियुक्त धीरेंद्र कुमार धीरज उर्फ धीरज कुमार यादव पिता श्री मिश्रीलाल यादव को नवादा जिले से दरभंगा पुलिस के द्वारा लाया गया है। कल उन्हें नवादा जिला बल के द्वारा वाहन चेकिंग के क्रम में डिटेन किया गया था और जानकारी प्राप्त होने पर दरभंगा पुलिस के द्वारा उन्हें यहां लाया गया है, उनका मेडिकल कराया गया है और विधिवत कार्रवाई पूरी करते हुए उन्हें न्यायालय में उपस्थापित किया जा रहा है। गिरफ्तार अभियुक्त धीरेंद्र कुमार धीरज के पिता श्री मिश्रीलाल यादव जो विधायक हैं उनके द्वारा पुलिस पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि 40,000 रुपये की मांग की गई थी, उनके बेटे को गायब कर दिया गया है, उनके द्वारा उनके बेटे के एनकाउंटर की आशंका जताई जा रही है, कहा जा रहा है कि उसके साथ मारपीट की गई है। ये क्लैरिफाई करना चाहेंगे कि ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है, ना उनके साथ कोई मारपीट गई है की गई है, ना उनसे किसी पैसे की मांग की गई थी। वो सकुशल सुरक्षित दरभंगा जिला बल के द्वारा लाए गए हैं और थोड़ी ही देर में उन्हें माननीय न्यायालय में उपस्थित किया जाएगा।